अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सैमसंग वॉबल टेक्नोलॉजी के रिव्यू दे रही हूँ। ये किस तरह से यूज़ होती है और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और ये इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे इसकी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी कुछ पता चल गया है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए, इसका सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बताती हूँ। तो मॉडल नंबर है WA60H4200SW#YL। इसका मॉडल नंबर ये है और कलर इसका वाइट है। वॉबल टेक्नोलॉजी मीन्स फास्टर वॉश करेगी हमारे कपड़ों को और स्पिन फास्टर करेगी, तेजी से हमारे कपड़े वॉश भी करेगी और सुखाएगी भी। इसके अंदर दो एडिशनल फंक्शन है, आगे वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये वेट में बहुत ही कम है और इजी टू यूज है, इसको हर कोई आसानी से यूज कर सकता है। 4 से 5 लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। और इसके जो डिजिटल डिस्प्ले है, वॉशिंग जो डिजिटल डिस्प्ले है वो 6 दिया हुआ है। और इसका ये जो ग्लास है वो टेम्पो ग्लास है। अब मैं आपको अंदर से लुक दिखाती हूँ इसका। और इसका ये जो टब है, ये स्टेनलेस टब है। इसका ये मैजिक फिल्टर दिया हुआ है जिसमें सारे कपड़े इस तरह से, कपड़ों का जितना भी गन है वो इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा। और इसको वॉश करना भी आसानी से, इसको हम खोल सकते हैं यहाँ से क्लिक करके और ये क्लिक हो जाएगा, खुल जाएगा। तो फिर हम, जब ये खुल जाएगा तो इसको हम वॉश कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। नीचे जो इसके दो रोलर दिए हुए, इनका मकसद ये है कि ये हमारे कपड़ों को बिल्कुल भी उलझाते नहीं है। जब मैं वॉश करके निकालती हूँ तो एक एक कपड़ा आसानी से निकल कर आ जाता है। टब पे डायमंड शीट कट दिए हुए, इससे हमारे कपड़े खराब बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। साथ ही इसका ये डिटर्जेंट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें मैं अभी सर्फ डाल के आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको वॉश करते हैं। और ये इसके पील्स वगैरह के लिए और ब्लीच वगैरह के लिए दिया हुआ है, इस तरह से ये होगा। और इसका ग्लास टेम्पो ग्लास है, मीन्स के इसमें स्क्रैचेबल फ्री है। 6 kg की ये वॉशिंग मशीन है, इजी टू यूज है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो इसके डिस्प्ले में फीचर्स दिए हुए, जो 6 वॉशिंग फीचर्स दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रिज है, क्विक है, डेलिकेटेड है, ब्लैंकेट है, एनर्जी सेवर है। और ये जो आगे आपको मैंने वीडियो में बताया था कि 2 एडिशनल फंक्शन इसमें दिए हुए, इको टब क्लीन है, मीन्स कि इसमें कोई भी सर्फ वगैरह जाएगा ही नहीं, ये खुद ऑटोमेटिक ही अपने टब को क्लीन कर लेगी। इस साइड पे जो फंक्शन दिए हुए वो वाटर लेवल दिया हुआ है, 1 to 5 दिया हुआ है। अब मैं यूज कर रही हूँ तो मैं आपको इसका बता रही हूँ। हमने इसके अंदर आखिरी लेवल तक हमने नहीं जाना होता, उससे पानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछलता है, तो इस आखिरी लेवल तक हमने नहीं जाना। 4 लेवल में, मेरी लास्ट 4 लेवल पे ही मैं लास्ट कर देती हूँ। अच्छा जा, और इसका हॉट वाटर का भी सिस्टम दिया हुआ है, कूल वाटर का भी सिस्टम दिया हुआ है। और इसका जो दूसरा एडिशनल फंक्शन था, एयर टर्बर था, मींस के ये कपड़ों को बहुत जल्दी से सुखाएगी, अपने टब को बहुत तेजी से घुमाएगी। वॉशिंग टाइम दिया हुआ है, रिंस दिया हुआ है, स्पिन दिया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करते ही इसका ये पानी का वो दिया हुआ है, ये ऑन कर देंगे। और ये जब तक ऑन रहेगा जब तक हमारे कपड़े वॉश नहीं होते। ऑन करते ही हमने सबसे पहले इसके वाटर लेवल को सेट करना है। हम इसमें, मैं 4 लेवल तक ही जा रही हूँ और मैं हॉट वाटर यूज़ कर रही हूँ। तो हॉट वाटर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब वॉशिंग टाइम सेट करना है 7-8। वैसे तो ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेती है। और रिंग्स कितनी दफ़ा करना है हमने, 2 दफ़ा करना है। और स्पिन कितनी दफ़ा करना है हमने, 3 दफ़ा करना है। तो ये हो गया इसका टोटल टाइम। अब इसका टोटल टाइम हो गया है 50। अब हम इसको क्विक को कर देंगे तो इसका 50 का आ गया 32 आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं। देखें, स्टार्ट करते ही इसके अंदर पानी आना शुरू हो गया। ना ही अभी मैंने सर्फ डाला है और ना ही मैंने अभी इसके अंदर कपड़े डाले हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब इसके अंदर थोड़े कपड़े ऐड कर देते हैं। ये मैंने कपड़े डाल दिए हैं और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं। सर्फ की क्वांटिटी आप अपने कपड़े कितने गंदे हैं और कितने साफ हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। देखें, अब ये सर्फ के साथ इस तरह से पानी आएगा।
तो देखिए अब सर्फ के साथ पानी आ रहा है और इस तरह से ये सर्फ के साथ पानी आएगा और ये वॉश का बटन ब्लिंक कर रहा है। इट्स मीन कि अब सबसे पहले ये वॉश करेगी, फिर रिंस करेगी और फिर स्पिन करेगी, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और इसका एक और मेन फंक्शन जो ये है, इसमें चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। अगर हम रिंस और स्पिन को 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ही लॉक लग गया है। अब इसको बच्चे आके छेड़ें या कोई भी गलती से आपसे कोई बटन भी दब जाए तो ये सेटिंग इसकी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। जैसे अब मैं ये दबाती हूँ, इसके चाइल्ड लॉक की वजह से इसमें कुछ नहीं होगा, जो हमने सेटिंग पहले सेट की थी वही रहेगी। और इसके चाइल्ड लॉक को रिमूव करना होगा तो अगेन उन्हीं दोनों बटन्स को दबाना होगा, प्रेस करना होगा और ये खुद ही रिमूव हो जाएंगे। ये देखें ये रिमूव हो गए हैं। अब इसका एक और मेन फंक्शन जो दिया हुआ है वो मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें पोज का बटन दिया हुआ है, अगर हम पोज कर देंगे तो ये देखें मशीन रुक गई। अब हमने इसमें से कपड़े निकालने हैं या डालने हैं, करने हैं कपड़े ज़्यादा करने हैं, सर्फ की क्वांटिटी कम लग रही है वो आपने ज़्यादा डालना है, तो आप दोबारा से पोज कर सकते हैं और पोज करके जो भी आपने काम करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने अब पोज के बटन को हटाना है तो दोबारा से आप पोज के ही बटन को दबाएंगे तो ये दोबारा से जो काम कर रही थी वही काम करना शुरू कर देगी। वॉश कर रही है तो वॉश के ही बटन ब्लिंक कर रही है। अब रिंग्स और स्पिन कैसे करेगी वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। और मैंने कपड़े बाद में डाले हैं, पानी पहले खोल दिया, तो ऐसा नहीं करिएगा। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि पानी किस तरह से आता है यहाँ से वो दिखाया। पावर ऑन करने के बाद आपने कपड़े डालने हैं, आपने फिर सर्व डालना है और फिर पानी का बटन ऑन कर देना है और फिर आपने इसकी जो भी सेटिंग टाइमिंग सेट करनी है वो सेट करनी है। इस तरह से करना है, मैंने सिर्फ आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए वो चीज़ की थी। तो देखिए ये अब कर रही है रिंस और ये रिंस का बटन ब्लंक हो रहा है और इसने देखें टब के अंदर से सारा पानी रिमूव कर दिया है, सारा पानी निकल गया है और अब इसके अंदर एक दफ़ा और पानी भरेगा और ये वॉशिंग के पे लग जाएगी। ये स्पिन करेगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अब ये स्पिन कर रही है तो स्पिन ब्लंक कर रहा है और किस तरह से स्पिन कर रही है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। कितनी तेज़ी के साथ ये घूम रही है और बिल्कुल भी हिल नहीं रही। मैं आपको इसका लुक दूर से दिखा रही हूँ। देखिए इसका टब कितनी तेज़ी के साथ घूम रहा है लेकिन वॉशिंग मशीन अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं रही। देखिए इसका टाइम पूरा हो गया, वॉशिंग टाइम पूरा हो गया है तो ये इसका म्यूज़िक साउंड करना शुरू हो गया है। अब हम सबसे पहले इसके पावर ऑफ कर देंगे और पानी का लेवल जो हमने खोला था वॉल वो ऑफ कर देंगे। उसके बाद पावर के ऑफ करते ही और अब मैं आपको कपड़े निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से कपड़े एक एक करके निकलते जाएंगे। ये इस तरह से कोई भी उलझा हुआ कपड़ा नहीं है, ये मैंने मिक्स कपड़े डाले थे। ये देखिए कोई भी उलझा हुआ नहीं निकला, सारे साथ आसानी से ये कपड़े निकले हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? सैमसंग वॉबल टेक्नोलॉजी का मैंने रिव्यू दिया है और ये बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन है। बस इसका एक ही बैड पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा ऑयलिंग वाले या पेट्रोलिंग वाले कपड़े होंगे तो वो इस तरह से साफ होके नहीं निकलते, वैसे आम रूटीन में ये बहुत ही अच्छी है। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ ही ऑल का बटन भी दबा दीजिए। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।